काए के पतरी कमरदार, ए पतरी कमरदार, ए पतरी कमरदार, हाय हाय क्यों कमर जा रही क्यों है के पतरी कमरदार, ए पतरी कमरदार, पतरी कमरदार, लफ लफ के हो रही धनिया, नहीं हो
पूछे कौन को ईखो ऊपे असर ना कर है दवा ओ जीखो लगी गंगरा की हवा ऊपे असर ना कर है दवा ओ जीखो लगी गंगरा की हवा ताओ मेरे सुधर दू जवा का जवा जाना जवा हमने जाना बोल तो सर का जवा अच्छा के ताओ मेरे सुधर दू जवा तो जब गंगरा की लगे पपीता भौजी के अरे अरे पपीता भौजी के हुन्ने मन लागे हो लाला नो भी है एक फल का केला ए पपीता भैया भैया हमारे बीच में आपका प्रत्याशी आ चुका है थोड़ा रास्ता दे दें निकलने के लिए कितने सौभाग्य की बात है आज मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं तुम्हारे बीच में हाँ तुम्हारे बीच में तुम्हारा अपना प्रत्याशी आदरणीय श्री गगनेंद्र जी रघुवंशी पधार चुके हैं सभी लोग बड़े आनंद के साथ तालियों से उनका स्वागत करेंगे सभी तालियां बजा भैया सभी तालियां ऊंचे हाथ करके तालियां बजा उनका अभिनंदन जोरदार तालियां करें जो भैया आज तुम्हारे बीच में है आज उनके शरीर में 28 फ्रैक्चर है लेकिन फिर भी तुम्हारे बीच में है तुम्हारा आज आशीर्वाद लेने के लिए शरीर की एक एक हड्डियों में 24-24 फ्रैक्चर होते हुए भी आपके बीच में है और मैं इनकी नहीं कहूंगा जो जयसिंह राजा बैठे हुए हैं ये प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सीन है इनकी माताजी मात्र 3 दिन पहले खत्म हो गई है जयसिंह राजा जी आपका सिर बताए इनके लाने ये देखिए भैया मेरी बात हुई जयसिंह भैया से बोले भैया मेरी माता जी शांत हो गई मैंने कहा भैया मेरे प्रत्याशी के 28 फ्रैक्चर हैं कहने लगे अगर मेरे पिताजी भी शांत हो जाएंगे तो मैं कार्यक्रम देने आऊंगा गगन भैया के लिए ऐसे कलाकार के लिए और ऐसे प्रत्याशी के लिए आप भूल मत जाना आदमी घर में होते हुए आपसे नहीं मिलता है घर वाले कह देते हैं वो बाहर गया हुआ है लेकिन